हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब मस्त और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में। तो आज दिन है बुधवार का और तारीख है 24 अगस्त। और रेमू योगी चल दिए हैं स्कूल में, बाय बाय कर जाओ भाई। तो अभी दोपहर का 1 बज चुका है और मैं जा रही हूँ, के बताऊँ, डोलन डोलन जा रही हूँ गाँव में। ठीक है चलो, तो आप सबने लेके चलूंगी साथ। आवाज बहुत आ रही है स्कूल से, बदल कर रखे राम जी ने। सुनने सुनने गाल हो रही है, दिखाऊं? ये देखो धूप ना है बिल्कुल भी। ओहो दो दो डोगी आगे पीछे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ माची कमला के घर पे और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इन्होंने अपनी भैंस गाय के ऊपर ये मच्छरदानी लगाई हुई है। रात के समय जो साइड में पल्ले हैं उनको खोल देते हैं ताकि मच्छर परेशान ना करे पशुओं को। तो अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। और ये इनके घर के पास एक है कुआ, कुआ पहले चलता था लेकिन अब कुआ बंद हो गया, अब वैसे बोरिंग चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी इनका घर, अभी बनाया है इन्होंने, रंग पेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ये POP बोलते हैं ना, छत की ये कराई है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। एक बार ले भाई, ये बता कचरी के बनेगी इनकी? चटनी। और के बन सके? सब्जी। सब्जी क्या की बनेगी? कचरी। और इनमें क्या पड़े? आलू। आलू फिर कैमरो का तरह इलरो है हां घणो मटा कण आ रो की दे कैमरो के कैमरो की दे फोन में योगी लिया जल्दी लिया। उठ कहीं ना दो अच्छा कुछ ले कहिए आलू लेना है आप एक कटोरी चाकू नाइफ चाकू चाकू बाहर है बाहर लिया ये कटोरी छोटी है तो ये आलू है शुगर फ्री आलू 100 रुपए का 3 किलो है एमू बिना खाली कर देना इसमें जो हमारा सब्जी का स्टैंड साइड में रखे है ये कचरी खराब होगी है और आलू में लसन गेर कर रखो आलू खराब नहीं हो लसन जो ये गांठ है ना ये गेर दो तो फिर आलू खराब नहीं हो फिर तो काटना पड़ेगा आलू आलू और प्याज एक साथ रखोगा तो खराब बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा फिर तो आलू काट काउंट तो भीतर देनी पड़ेगी गांठ ना ऐसे ही इनमें छोड़ दे बस ये आलू और प्याज ये लसन मिक्स रखो फिर खराब नहीं होगा कभी भी ठीक है अभी आलू खाली कर दिया है अभी आज बनेगी कचरिया की चटनी पहले बता दी है अरे यो हमारा आलू ने घी ये देखो आज दूध भी लोया था 2 दिन में अरे इसमें तो इसमें डाल दिया है हरी मिर्च लहसुन नमक और कचरी अब बनाएंगे इसकी चटनी हरिया डाल दी है इसमें अच्छा और चटनी बनकर हो गई हमारी तैयार कचरी की चटनी। और इतनी ज़्यादा हमारे लिए नहीं है, किसी को देनी है, एक कटोरी देनी है और जो बाद में निकाली है ये है हमारी। तो हमारे चैनल पर बिल्कुल आपको गांव से रिलेटेड देसी ब्लॉग देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट कर देना। और जो भजनों के क्लिप डालिए उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल पर जाएँ बाबा मोहनदास भजन मंडली। थैंक यू। Yeah.